So, let us discuss work done during the adiabatic change or adiabatic process बेटा. इसमें बेटे आपने वंस अगेन एक जो है कंटेनर फिटेड अलोंग विद ए पिस्टन इमेजिन किया और इसमें आपने बेटे जो आपका कंटेनर है इस कंटेनर को किसी आइडियल गैस के साथ बेटे फिल किया है और आइडियल गैस को एक आपने फर्दर मोर पिस्टन लगाकर ऐसे मैनेज कर रखा है. दिस इज द आइडियल गैस प्रेजेंट इन इट. प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी है, टेम्परेचर पी आपने इमेजिन कर लिया इन द बिगनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. का एडियाबेटिक चेंज है तो हीट आप अलाउ नहीं कर सकते, इसीलिए बेस वाला वॉल हमने कंडक्टिंग नहीं बनाया. रादर सारे ही आपके जो वॉल्स हैं ये नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं, कोई भी वॉल कंडक्टिंग वॉल नहीं है. देन व्हाट इज फर्दर डन इज दैट वी मूव द पिस्टन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन बाय ए स्मॉल 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 डिस्प्लेसमेंट से बेटा डी एक्स बेटे. फिर से एक बार बेटे ध्यान दीजिएगा. वी कंसिडर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस, वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस आपने इस कंटेनर में फिक्स किया. इस कंटेनर का प्रेशर गैस का पी, वॉल्यूम बी, टेम्परेचर टी है और बच्चों आप जानते हैं प्रेशर पी फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है. फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया बेटा. एरिया कौन सा है? ये पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी बात कर रहे हैं. पिस्टन को जब आप आउटवर्ड डायरेक्शन में बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx मूव करवा देते हैं तो यू आर परफॉर्मिंग ए स्मॉल वर्क dw एंड इट इज इक्वल टू f dx का. और ये वर्क डन जो है p इनटू a इनटू dx के बराबर, a इनटू dx आपको चेंज इन द वॉल्यूम dv दे देता है. सो वर्क डन विल बी इक्वल टू p इनटू dv इन दिस केस. और डियर चिल्ड्रन फर्दर मोर अगर हम बात करें यहाँ पे अपने इस टोटल वर्क डन की कैलकुलेशन के रिगार्डिंग, तो टोटल वर्क डन जो है दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ दिस डी डब्ल्यू, दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ दिस पी डी वी वॉल्यूम वी वन से डी टू तक. अब बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमारा प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है. एडियाबेटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है दैट इज पीवी रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, आपने इसको प्रीवियसली बेटे डिराइव कर रखा है एडियाबेटिक चेंज की इक्वेशन को. आइसोथर्मल में पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, उसको आपने जब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट किया था एट दैट टाइम आपने बेटे जो अपना पी इंटू वी है उसको कांस्टेंट के बराबर इमेजिन किया था, वहां से आपने सारी की सारी कैलकुलेशन स्टार्ट की थी. अब यहाँ पे आपका प्रोसेस बिकॉज एडियाबेटिक है, आप प्रेशर पी यहाँ से निकाल लीजिए, इट विल बी के डिवाइडेड बाई वी रेस टू पार गामा. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो के वी रेस टू पार माइनस गामा बेटा. सो बेटे सारे बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? ऑल ऑफ यू बेटा, हरनूर, इश्नूर, जैकलिन, जप्पन, मंजोत, नमन, ठीक है बेटे, ठीक है, गुड बेटे, गुड. साथ साथ नोट करते जाइएगा बेटा. ये प्रेशर की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू से आप इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटा. आपके पास वर्क डन जो है इट विल बी इक्वल टू के वी रेस टू पावर माइनस गामा इंटू डी वी लोअर लिमिट वी वन अपर लिमिट वी टू बेटा. और बच्चों यहां से देखिए के को आप बिकॉज कांस्टेंट है इसको आप बेटे कॉमन ले सकते हो. जब आप के को कॉमन ले लोगे डियर चिल्ड्रन वर्क डन आपके पास बन जाएगा के इंटीग्रल वी वन से वी टू वी रेस टू पावर माइनस गामा इंटू डी वी और इट विल बी के वी रेस टू पावर बेटा माइनस गामा प्लस वन और मैं लिमिट्स लिख देता हूं बेटा. लिमिट्स आ जाएंगे लोअर लिमिट वी वन अपर लिमिट आ जाएगा जी वी.
आइए फर्दर मोर आगे इसको और आगे कैलकुलेट करने की कोशिश करें। वर्क डन W आपके पास बच्चों बन गया जी। K को आपने कुछ भी नहीं कहा और इन द इंटीरियर V2 एक और चीज मिस हुई हमारी, माइनस गामा प्लस वन इन द डिनोमिनेटर विल आल्सो बी देयर। K, लेट मी रीराइट दिस होल स्टेप बेटा। वर्क डन विल बी इक्वल टू K अपॉन माइनस गामा प्लस वन इंटीग्रल। जब आप परफॉर्म करोगे इट इज वी टू की पावर वी टू की पावर वन माइनस गामा माइनस वी वन की पावर वन माइनस गामा। आपने लोअर और अपर लिमिट्स की वैल्यूज जो है वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी। गामा को आपने वन माइनस गामा लिख लिया, माइनस गामा प्लस वन को उल्टा करके लिख दिया। अब वर्क डन W आपके पास वन अपॉन वन माइनस गामा इट इज के वी टू पावर वन माइनस गामा माइनस के वी वन पावर वन माइनस गामा आ जाए। बच्चों प्रोसेस हमारा एडियाबेटिक है। हम के जो है हमारा इस के की वैल्यू की जगह पर हम बेटे पी वी रेस टू पावर गामा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और आइए सब्स्टिट्यूट करें। वर्क डन विल बी इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस गामा एस एच के की जगह पर आ जाएगा पी टू वी टू पावर गामा, ये वी टू पावर वन माइनस गामा एस एच पड़ा रह गया, माइनस के आ जाएगा पी वन वी वन पावर गामा वी वन पावर वन माइनस गामा एस एच पड़ा रह जाएगा। तो यहाँ पे टर्म्स का एडजस्टमेंट कर लीजिएगा एक बार फिर से। W will be equal to 1 upon 1 minus gamma और ये देखो V2 की पावर गामा है, ये 1 minus gamma है, पावर्स जब ऐड हो जाएंगी इट विल बी पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। एक बार रीचेक करिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा। लेकिन आपको ये भी पता है पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है। सो जब आप ये वाली वैल्यूज पुट कर दोगे यहाँ पर आइडियल गैस के लिए इट विल बी वन अपॉन वन माइनस गामा आर टी टू माइनस आर टी वन। बेटे आर को आप बाहर एडजस्ट कर लीजिए, इट विल बी आर अपॉन वन माइनस गामा एंड दिस इज बेटे टी टू माइनस टी वन। सो दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबेटिक चेंज। सो इस तरीके से बेटे आप एडियाबेटिक प्रोसेस में बेटे जो वर्क डन है इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। डियर चिल्ड्रन मैं एक बार सारे स्टेप्स को बेटा फिर से रिपीट कर देता हूँ। सारे बच्चे एक बार बेटे देख लीजिएगा कि हमारे पास किस तरीके से ये वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है रिगार्डिंग द एडियाबेटिक चेंज और एडियाबेटिक प्रोसेस। बेटा सबसे पहले आपने वन मोल किसी आइडियल गैस का बच्चों कंसिडर किया, इसको आपने एक कंटेनर में फिल किया। इस कंटेनर की वॉल्स एज वेल एज द बेस नॉन कंडक्टिंग है, सो दैट एनी टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट दैट इज प्रोहिबिटेड टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम बिकॉज क्यू आपने कॉन्स्टेंट रखना होता है। इसके अंदर प्रेशर जो होगा गैस का दैट विल बी फोर्स अपॉन एरिया, आपने फोर्स निकाल लिया प्रेशर इन टू एरिया करके यहां से, और आपने पिस्टन को स्लोली आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाया। आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट dx है, फोर्स की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे और dw आ जाएगा pa dx के बराबर। एरिया इनटू dx आपको बेटे dv दे देगा, इट विल बी pdv। टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आप इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल कर दीजिए, V1, V2 लिमिट्स लगा दो लोअर और अपर, और उसके बाद PV रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपकी एडियाबेटिक चेंज की एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन है। यहां से आपने बच्चों P निकाल लिया, प्रेशर निकाल लिया, प्रेशर की कैलकुलेशन आपने यहां से कर ली बेटा। और जब आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे ये K अपॉन V रेस टू पावर गामा आ जाएगा, V रेस टू पावर गामा डिनोमिनेटर में है ऊपर जाकर माइनस गामा हो जाएगा। इसको आपने पुट कर दिया इस इक्वेशन नंबर वन में P की जगह पर, और V रेस टू पावर माइनस गामा का इंटीग्रल होता है
वी रेस टू पावर माइनस गामा प्लस वन ओवर माइनस गामा प्लस वन। उसके बाद आपने बेटे लोअर और अपर लिमिट्स की वैल्यूज पुट कर दी, वी टू माइनस वी वन आपके पास आ जाएगा। देन इस के को आपने इंसर्ट कर दिया इन साइड द ब्रैकेट। जब आप के को इंसर्ट कर दोगे, के आपका पी टू वी टू पावर गामा है और पी वन वी वन पावर गामा है, कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास पी टू वी टू माइनस सी वन वी वन आ जाएगा। पी वी इज इक्वल टू आर टी, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटा पी वी की वैल्यू, तो पी टू वी टू है तो ये आर टी टू हो जाएगा, पी वन वी वन है तो ये आर टी वन हो जाएगा, आर को आपने बाहर एडजस्ट कर लिया। सो इन दिस वे बेटे आप वर्क डन जो है ये डियर चिल्ड्रन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट डिस्कशन, एक बार मुझे बता दीजिए, सबको पता चल गया बेटा, अंजलि हरनूर इश्नूर जपन जैकलिन राघव धवन, सारे बच्चों का नाम नहीं मैं ले पा रहा हूँ बेटा, एंड मिताली, यस बेटे ऑल ऑफ यू। बेटे मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, ये थोड़ा सा ना इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, डायरेक्ट कैलकुलेशंस यूजिंग इटसेल्फ कैलकुलस इन्वॉल्व है, कोशिश करिएगा कि इसको एक दो बार जरूर लिख के देखें, फिर आपको बेटे ये चीज जो है इसकी कोई भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं रहेगी। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप इसको भूलेंगे नहीं, आप आसानी से कर लोगे इसको। दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू कन्वे टू यू बेटा। सो इसके बाद बेटे हमारे पास बात आ जाती है कि हम जो हमारे आइसोथर्मल और एडियाबेटिक चेंजेस आपने बेटे डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी, इनको आप बेटे इन टर्म्स ऑफ स्लोप, इन टर्म्स ऑफ पीवी इंडिकेटर डायग्राम कैसे कंपेयर कर सकते हो। आइए बेटे देखें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंपैरिजन ऑफ स्लोप्स ऑफ द आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व्स बेटा, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक बेटे, कंपैरिजन ऑफ द स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। दो प्रोसेसेस हैं आपके पास, आइसोथर्मल भी है एडियाबेटिक प्रोसेस भी है, इन दोनों प्रोसेसेस को इन टर्म्स ऑफ स्लोप ऐसे आप कैसे स्टडी कर पाएंगे बेटे। आइए डियर चिल्ड्रन, हमारा जो आइसोथर्मल चेंज है, आइसोथर्मल प्रोसेस है या आइसोथर्मल चेंज है, इसमें पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप इसका इक्वेशन पढ़ते हो, और जो डियर चिल्ड्रन आपका एडियाबेटिक चेंज है, एडियाबेटिक चेंज या प्रोसेस है, इसमें पी वी रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप पढ़ते हो। अगर मैं बात करूं बेटा पी वी कर्व की या पी वी कर्व के स्लोप की बेटा, तो जो पी वी कर्व है आपका, इस तरफ आप प्रेशर ले लेते हो और इस तरफ आप अलोंग द एक्स एक्सिस वॉल्यूम कंसिडर किया करते हो, तो जब भी आप स्लोप निकालोगे तो ये डी पी अपॉन डी वी मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस इस टर्म्स में ही निकलेगा। आई मीन टू से दैट कि आपको यहां से और यहां से डी पी बाई डी बी निकालना है, उसके लिए आप इन दोनों प्रोसेसेस की जो इक्वेशंस हैं इनका बेटे डेरिवेटिव जो है वो सॉल्व कर लीजिए, टेकिंग डेरिवेटिव। आपने क्या दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, दिस इज इक्वल टू जीरो। इसको उठाकर उधर ले जाइए, बी डी पी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, और डी पी अपॉन डी वी दिस इज माइनस पी अपॉन वी, और ये बच्चों प्रोसेस आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, दैट्स वाई आई हैव रिटन आइसो ओवर हियर। इसके जो बिल्कुल बेटा आपका जो है सबस्क्रिप्ट यहाँ पे मैंने आइसो डाल दिया है ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए।
इसका स्लोप निकालने के लिए इसका भी डेरिवेटिव ले लीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। इसको उठाकर उधर ले जाइए, बी पावर गामा इंटू डी पी इज माइनस पी गामा बी पावर गामा माइनस वन इंटू डी वी, और डी पी अपॉन डी वी ये बच्चों आ गया जी माइनस पी डी पावर नहीं ये था आपके पास पी, अच्छा ठीक है गामा है, गामा बी पावर गामा माइनस वन अपॉन वी पावर गामा, ये गामा गामा माइनस वन एक पावर कम है न्यूमिनेटर में, तो डी पी बाई डी वी ये आ जाएगा माइनस गामा एंड पी अपॉन वी एज सच, ये बेटे आपके पास आ जाएगा एडियाबेटिक। बच्चों बिल्कुल आमने सामने रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, अगर आप कंपेयर करोगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप से गामा टाइम्स आ रहा है। आई जस्ट मीन टू से दैट इसकी जगह पे तो मैं ये लिख सकता हूँ ना बेटा, तो आई कैन राइट ओवर यहां लिख देता हूँ डी पी अपॉन डी वी एडियाबेटिक, दिस इज इक्वल टू गामा टाइम्स डी पी अपॉन डी वी आइसोथर्मल। सो एडियाबेटिक चेंज में स्लोप आपका आइसोथर्मल में स्लोप के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टीप है, ज्यादा तीखा है। बच्चों पहले तो मुझे ये बताइए यहां तक सबको क्लियर है, राइट फ्रॉम आई कैन सी इन द लिस्ट बेटा जैकलिन और इन द एंड मिताली सारे बच्चे, बच्चों कोई भी डाउट ना रह जाए किसी भी बच्चे को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नो डाउट बुक्स से कई बार कम ज्यादा लिखा होता है लेकिन इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है, सिलेबस में चेंजेस सीबीएसई ने बहुत किए हैं लेकिन इसके बिना आपका गुजारा। अरे एक बारी दोबारा बता दो कौन सी चीज पुत्र, डिफरेंशिएशन लेने से पहले ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उसके बाद हमने dp by dv निकालना है, जैसे मर्जी एडजस्टमेंट करके निकाल लो। इधर आ जाइए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव जब आप लोगे x रेस टू पावर n वाली फॉर्म है ये, इट विल बी गामा v रेस टू पावर गामा माइनस वन इंटू डी वी प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, अगेन जस्ट द रीशफलमेंट ऑफ द टर्म्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट dp by dv। बेटा एक बार चेक करिएगा सारे बच्चे बेटे, दो मिनट लगा के चेक कर लो, कोई बात नहीं हमें जल्दी वाला काम नहीं करना, डाउट ना आपका रह जाए, यू आर गेटिंग दिस थिंग और नॉट बेटा। मंजोत जपन दिलजीत हरनूर नहीं दिख रही, हरमन ओके ठीक है जी बेटे ठीक है बहुत बढ़िया, मिताली बेटा क्लियर है, बेटे मिताली हरनूर हरमन ओके बेटा दैट्स गुड। सो बेटे अब मैं एक्चुअल कंटेंट की अगर बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, ये पी और बी मैं ऐसे कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, एक ये कर्व बन गया, एक कर्व बन गया ये। अब आप मुझे बताइए ये ए पॉइंट से स्टार्ट होकर बी तक और ये सी तक, पहली बात तो ये बताइए कि ए बी कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेंशन की कंट्रैक्शन, ए बी पार्ट एक्सपेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंट्रैक्शन। बच्चों बोला करो, डरा मत करो, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा फिर क्या हुआ, गलती सबसे होती है। रमन ए से लेकर बी तक इट इज एक्सपेंशन और कंप्रेशन, सर एक्सपेंशन एक्सपेंशन बिल्कुल ठीक, ए से लेकर सी तक सर एक्सपेंशन ही है, इज आल्सो एक्सपेंशन बिल्कुल ठीक बेटा। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि हैं दोनों एक्सपेंशन लेकिन ये वाला स्लोप ज्यादा है ये वाला स्लोप कम है, इट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन,
इट इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, राइट बेटा। और इसके कंपैरेटिवली अगर मैं कर्व ऐसी ड्रॉ कर दूं, ध्यान दीजिएगा, इधर बी इधर पी, और बच्चों इस केस में अगर बेटे मैं ये ऐसे ड्रॉ करूं, एक कर्व ये बन गया, दूसरा ये बन गया बेटा, तो इसमें ये ए है, ये आपका बी है, ये सी है, तो ये पहली बात तो ये है कि ये कंप्रेशन को इंडिकेट कर रहा है, ये स्लोप ज्यादा तीखा है, स्टीप है। इट इज बिटे एडियाबेटिक कंप्रेशन, इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। आप लोगों को ये समझ आया तो एक बार मुझे बता दीजिए, सारे बच्चे इनकी दोनों की ग्राफ की स्टीप जो स्टीपनेस है चेक करके बताइए कि कौन से ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, किसका कम है। ये बात समझ में आ गई है सबको? बेटे प्लीज सारे स्टूडेंट्स एक बार मुझे बता दिया करो, फिर मैं तभी बेटे आप कुछ बोलेंगे तभी फिर मैं आगे चलूंगा ना। अगर आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। इश्नूर, अंजलि, अपना माइक बेटे ओपन करके बताइए। हाँ बेटे सारा। यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको बच्चों मॉर्निंग टाइम बताया था आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में जो आया था प्रीवियस इयर्स में कहीं पे, एक और क्वेश्चन उसी ईयर या उसके आसपास वाले इयर्स में आया था। उन्होंने ऐसे चार आपको ग्राफ, ये दो बने हुए हैं ना, दो और बना के दिए थे और इन प्रोसेसेस को ए बी सी डी कुछ करके लिखा हुआ था और आपको कहा था कि मैच करेक्टली, ए इज एडियाबेटिक, बी इज आइसोथर्मल, समथिंग लाइक दैट। मतलब कि उन्होंने ये चेक किया था कि क्या बच्चों को इन स्लोप्स के बारे में और इन स्लोप्स के साथ आपके जो ये प्रोसेसेस हैं इनके बारे में, इनकी स्टीपनेस के बारे में पता है कि नहीं पता है। तो डियर चिल्ड्रन, वंस अगेन, बिकॉज आपके एडियाबेटिक चेंज में, एडियाबेटिक प्रोसेस में स्लोप बेटे ज्यादा आ रहा है, इसलिए एडियाबेटिक प्रोसेस की कर्व वो शार्प होगी, उसका स्लोप ज्यादा होगा, वो तीखी कर्व होगी, एकदम से स्टीप होगी। लेकिन जो आइसोथर्मल चेंज होगा उसमें इतनी तीखी कर्व नहीं बनेगी, वो कर्व आपकी, ये आप कंपैरेटिवली देख सकते हो बेटा, इस तरीके की बन जाएगी। सो इन दिस वे बेटे आपने इन टर्म्स ऑफ दिस स्लोप्स एडियाबेटिक और आइसोथर्मल चेंजेस जो हैं इनको बेटे कंपेयर करके इस तरीके से देख लेना है। सारे स्टूडेंट्स बेटा एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैं ब्रीफली स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूँ, कहीं पे भी कोई कमी ना रह जाए। एंडिंग वाले टॉपिक्स ही हैं ये, लेकिन हैं बहुत, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत है। आइसोथर्मल प्रोसेस आपने लिखा, इसका बच्चों इक्वेशन लिखा, इसका डेरिवेटिव लिया, इसको U into V वाला फॉर्म लगाना है आपने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करके, ठीक है जी। आपका स्लोप निकल गया, आपने इसको आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप कह दिया, फिर आपने एडियाबेटिक चेंज की इक्वेशन लिखी, इसको भी आपने U into V वाली फॉर्म लेके चलना है, U डेरिवेटिव ऑफ V प्लस V डेरिवेटिव ऑफ U, इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा और आपके पास यहां तक पहुंच जाओगे। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह पर आपने ये आइसोथर्मल पुट कर दिया और आपका dp by dv एडियाबेटिक जो है ये गामा टाइम्स dp by dv आइसोथर्मल के बराबर आ गया और बच्चों इनको आपने ग्राफ्स की फॉर्म में लिख लिया। सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे। अगर आप लोगों को कोई बात पूछनी है, यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। अदरवाइज हम बेटे इससे आगे पे नेक्स्ट टाइम चलेंगे, यहाँ पे मैं अब रुक रहा हूँ। किसी भी स्टूडेंट को कोई बात पूछनी है तो जरूर पूछिएगा। अंजलि, स्टार्टिंग चाइल्ड बैठा है हमारे पास, इन द एंड हरमन इन द लिस्ट मुझे दिख रहा है बच्चा। किसी को भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए बेटा। ऑल क्लियर टू ऑल बेटा? अदिति, Uh,
डियर चिल्ड्रन हैप्पी लोहड़ी टू ऑल, इसको सारे को एक दो बार लिख के जरूर देखिएगा बेटा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू ऑल, थम्स अप फॉर यू बेटा.